नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बना रहे हैं, चिकन कीमा विद मशरूम, और देखते हैं हम इसमें क्या क्या है जाएगा जो हमारे साथ। देखें, 2 पाउंड कीमा है चिकन का, 1 पाउंड ये स्लाइस मैंने कर लिए मशरूम है, और ये 8-10 जो है लहसुन के जवे हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का है ये भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये हरा धनिया गार्निश के लिए है, ये थोड़े से लीव हैं इसके कड़ी पत्ते के, ये जाएंगे इसमें, और 3 हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली हैलोपिनो, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। 1 बड़ी 1 रेड बेल पेपर है, ये ग्रीन पेपर है बड़ी वाली, 1 बड़ी प्याज है, ये सब मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ये वाइट मिर्च पाउडर है, और ये कुटा हुआ जीरा है, भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है, और नमक अब हस्बी जरूर। चले आपको बताते हैं किस तरह स्टार्ट करें। अब हम ये शुरू करते हैं कि किस तरह बनाने हैं। हमने इसमें 2 बड़े चमचे ऑयल डाला है, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, और इसमें सबसे पहले अदरक चॉप, लहसुन चॉप ये डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इनको शैलो फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। ये देखें हल्की हल्की सी शैलो फ्राई हो गई है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको, बस हल्का हल्का ही रखना है ताकि इसका फ्लेवर आए खाने के अंदर। अब ये इसमें जो मैंने प्याज एक चॉप की थी बड़ी वाली मोटी, ये वो है, इसको भी ज़रा जल्दी जल्दी चला लें, इसको भी ऐसे हल्का हल्का करना है मुझे। अच्छा जी, देखें ज़रा प्याज हल्की हल्की से ज़रा सी नरम हुई है, ज़्यादा इसको गुलाबी नहीं किया है ना ज़्यादा किया, ठीक है। अब उसके अंदर कीमा जाएगा, देखें कीमा पूरा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, और ये सफ़ेद हो गया है, इसमें जो पानी था इसका तकरीबन सूख गया है ये, ठीक है। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। अब इसमें मैं ये ग्रीन पेपर डाल रही हूँ, पूरी 1 बन थी ग्रीन पेपर, ठीक है। ये रेड पेपर है, ये हैलोपिनो चॉप है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, मुश्किल से 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और साथ में ही इसमें नमक डाल दें, मैं 1 चमचा नमक है ये मेरा, मुझे पता है आप लोग कम ज़्यादा जो भी करना है वो कर लीजिएगा, और अब मैं इसमें मशरूम डाल देंगे, ये मशरूम चलेगा इसमें, और ये वाइट मिर्च पाउडर है, ये 2 चमचे 2 टीस्पून भर के, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और इसको फिर हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ये अपने ही पानी में तैयार हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। देखें ये ज़रा अच्छी तरह से ये हो गया, अब इसमें हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे ताकि इसकी ज़रा अच्छी खुशबू आए, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस 5-6 पत्ते तोड़ के डाल दें इसको। चलिए अब हम देखें कीमा हमारा कहाँ तक पहुँचा, ये देखें आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी नज़र आ रहा होगा, ये पानी जो है ये मशरूम से निकला है, बेल पेपर से निकला है, कीमा तो हमने ड्राई कर लेते, ये इसी पानी में तैयार हो जाएगा, कीमा से बिल्कुल पानी नहीं डालना है, ठीक है। चलिए 5 मिनट और रखते हैं फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखें अब इसका पानी सूख गया है, और ये तैयार हो गया कीमा हमारा, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं कुटा और पिसा जीरा डाल दूंगी खुशबू के लिए, और अब हम इसको उतार लेंगे और
निकाल के आपको डिश में दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है, इसको गार्निश करके, ठीक है। ओके, ये देखें कीमा हमने निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक भी डाल देंगे, आपकी मर्जी है, अगर आपको दिल चाहे तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिए, लेकिन मुझे अच्छी लगती है, मुँह में बाइट आता है अदरक का तो मज़ा आता खाने। ये अपने हरा धनिया से गार्निश करें इसको, और ये चेरी टमाटो आप खाएं बाइट के साथ तो आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे भी सेहत के लिए भी अच्छे हैं चेरी टमाटो, आप इसको इससे गार्निश कर सकते हैं, ठीक है। ये जनाब हमारा कीमा तैयार है। आपने आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और कमेंट्स ज़रूर छोड़ा करिए कि क्या चीज़ अच्छा है और क्या बुरा है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम नई डिश के साथ हाजिर होंगे। और आपको ये डिश पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।